नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहवाल में भाई के साथ जा रही महिला रास्ते में बारिश के कारण होटल पर रुकी, चाय पीने लगे तो होटल पर खाना खा रहे 8 लड़कों की नज़र उस पर पड़ी। महिला को किडनैप किया, 4 युवकों ने किया महिला के साथ गैंगरेप। FIR दर्ज, महिला थाना SHO शीला देवी बोली, महिला अपने भाई के साथ दनोदा गाँव जा रही थी, रास्ते में होटल पर बारिश के कारण रुकी। इस दौरान जब वे होटल पर चाय पीने लगे तो 8 युवकों की नज़र उस पर पड़ी। फिर आरोपी युवकों ने महिला को किडनैप किया और पास के खेत में ढाणी में ले जाकर महिला से 4 युवकों ने बारी बारी गैंगरेप किया। पुलिस ने गैंगरेप, किडनैपिंग और मारपीट तथा जान से मारने की धमकी देने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। महिला थाना SHO ने बताया कि पीड़िता का बेटा बीमार था और उसके इलाज के लिए महिला अपने भाई के साथ पैसे लेने के लिए अपने रिश्तेदार के गाँव जा रही थी। पीड़िता रास्ते में बारिश के कारण गांव जैनली के पास में एक होटल पर रुकी। यहां पर पहले से ही 8 लोग मौजूद थे जो खाना खा रहे थे। इन युवकों की नज़र महिला पर पड़ी। इन्हीं 8 युवकों ने महिला का पीछा किया और उसे किडनैप कर पास के खेत में एक ढाणी में ले गए, जिसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया गया। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों में से एक आरोपी मुन्ना पुनिया की पहचान हो चुकी है, बाकी के सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। वहीं महिला का मेडिकल भी करवाया गया है और जांच की जा रही है। पल पल फतेहाबाद से राजेश बांबू की। गैंगरेप में कल लेडीज आई थी जिसने आके हमें कंप्लेंट दी कि इसके साथ 4 बंदों ने बारी बारी से रेप किया है। जानली गांव का है एक मेन एक्यूज्ड और उसमें एक्यूज अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं। अभी हमारी तफ्तीश चल रही है। तो क्या आरोप क्या लगाए हैं, कहाँ उसके साथ गैंगरेप हुआ है, किस तरीके से उसको उठा के लिए बताया? ये अपने कोई धर्म भाई के साथ गांव दलोदा में जाने के लिए गई थी रात को 12:30 बजे के बीच में। तो ये कोई रास्ते में थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी बारिश में। ये कोई जमींदार होटल है जलनिया और जानली के बीच में, उसमें ये दोनों बहन भाई चाय पीने लगे। वहाँ पहले से 3-4 आदमी मौजूद थे। जब ये वहाँ से चले वापसी तो वो लोग इनके पीछे हो गए। वहाँ रास्ते में इनको रोका और इसको कोई खेत में ले गए, बाद ये अपने आप को छुटा के निकले हैं। तो क्या इंटरसेक्शन के टाइम जब मदद किया गया? इसमें गैंगरेप है सर, 376D है, 376-2N है और 365 IPC है, 323 है, मारपीट है। कितने लोगों को दर्द हुआ है जी? ये 4 हैं जी। 4 लोगों को दर्द हुआ है। किसी भाई ने बताया जी किसी का नाम? भाई ने मुन्ना पुनिया है एक और 7-8, वैसे तो ये 7-8 बोल रही है, तो करीब रेप 4 ने किया है। तो जो आरोपी है उसकी और क्या पहचान हो पाई है कि वो पुलिस उस तक पहुंची है क्या? सर अभी हमारी पार्टी गई हुई है और तफ्तीश में लगे हुए हैं, जैसे अरेस्ट होंगे तो बताएंगे आपको।